फिलहाल कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमास को दूसरे आतंकी संगठनों का साथ भी मिला हुआ है, जिससे मिडिल ईस्ट में बारूद की बारिश आगे भी जारी रहने वाली है। डबल धमाका, डबल हमला, हमास का खुफिया युद्ध। हमास की अल-कसम ब्रिगेड के लड़ाके आरपीजी थर्मोबैरिक ग्रेनेड रॉकेट से इजरायली सेना पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं। इजरायली टैंकों पर महज 100 से 150 मीटर दूरी से एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि हमास की अल-कसम ब्रिगेड अमेरिकी और रूसी हथियारों से इजरायली सेना पर हमला कर रही है। हमास के पास जो घातक राइफलें हैं उन्हें देखकर ही लग जाता है कि या तो अमेरिकी हैं या फिर रूसी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के लड़ाके अचानक तबाह इमारतों से बाहर निकलकर आरपीजी फायर कर रहे हैं या फिर टैंकों पर सीधे रॉकेटों से हमले कर रहे हैं, जबकि जमीन पर इजरायली सेना का एक भी पैदल सैनिक नहीं दिख रहा है। इजरायली सेना पूरी तरह से या टैंक के अंदर है या फिर किसी वख्तरबंद वाहन के अंदर से हमास के लड़ाकों से जंग कर रही है। हमास के इस खुफिया युद्ध ने इजरायली सेना के पसीने छुटा दिए हैं। खुद इजरायल के रक्षा मंत्री तक मानने को मजबूर हैं कि उन्हें बेहद क्रूर और शातिर लड़ाकों से जंग करनी पड़ रही है। הגדול ביותר שבנה האדם אי פעם. כל העיר הזו היא בסיס טרור אחד גדול. מתחת לקרקע קילומטרים של מנהרות. הן מתחברות אל בתי חולים, אל בתי ספר. הן מחוברות ביניהם. יש בתוכם חדרי קשר, מחסני תחמושת, מקומות לינה, והכל על מנת לשמש בסיס של טרור שממנו ניתן לפגוע. इसराइल के लिए विनाशक हिजबुल्ला का हमला, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला ने दावा किया है कि इजरायली सेना के लिए गाजा युद्ध विनाशकारी साबित होने जा रहा है। हिजबुल्ला के 60,000 से ज्यादा लड़ाके हमास के 40,000 लड़ाकों के साथ इजरायली सेना पर दूसरे राउंड का विनाशकारी हमला करने जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने भी माना है कि हिजबुल्ला की रॉकेट और मिसाइल ताकत इसराइल के लिए विनाशकारी साबित होगी। हालांकि इजरायली सेना पूरे जोश के साथ दावा कर रही है कि उसने उत्तरी गाजा में 10 घंटे की भीषण जंग में पिछले 24 घंटे के अंदर हमास के बहुत बड़े गढ़ पर कब्जा कर लिया है। इसराइल की IDF ने दावा किया है कि महज 10 घंटे की लड़ाई के बाद हमास का प्रमुख गढ़ पर कब्जा कर लिया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि 10 घंटे की भीषण जंग में हमास के दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। IDF की मुख्य पैदल सेना इकाइयों में से एक नाहल ब्रिगेड के सैनिकों ने उत्तरी गाजा के पश्चिम में जवालिया पर भीषण हमला किया है। जवालिया में आउटपोस्ट 17 पर IDF ने हमास लड़ाकों को मारकर कब्जा कर लिया है। IDF ने खुलासा किया है कि हमास के लड़ाके जमीन के ऊपर और भूमिगत मार्ग से हमले कर रहे हैं। ISA और IDF की खुफिया जानकारी के आधार पर एक IDF फाइटर जेट ने सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में हमास के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू मगसीब को मार डाला है। IDF के मुताबिक अबू मगसीब के मारे जाने से पहले इजरायली सेना और IDF सैनिकों पर कई एंटी टैंक मिसाइल से हमले करने जा रहा था। इससे पहले हमास के एंटी टैंक मिसाइल के कमांडर मोहम्मद असर को IDF ने मार डाला था। IDF ने कई तस्वीरें जारी की हैं जिसमें दावा किया गया है कि नॉर्थ गाजा में हमले बेहद तेज कर दिए गए हैं। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि हमास के करीब 60 कमांडरों को अब तक मार दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा में हमास के चीफ आया सिनवार को उसके बंकर में अलग थलग कर दिया है।
वो बंकर के बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। इधर इसराइल के युद्ध कैबिनेट के मंत्री रॉन डर्मर ने दावा किया है कि 30 दिन से ज्यादा की जंग में 3,000 से 4,000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। उत्तरी गाजा का 50% इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फिलिस्तीनी और हमास समर्थकों के बीच कोहराम मचा हुआ है। وقصف وعنا وعنا بتجربة معاقة احنا طلعنا من بيتنا لانه ما فيش المنطقة كلها اخلى فيش طلعنا على المدارس المدارس مش امنة برضو يعني لا في عنا اكل ولا في عنا ولا يعني موت مية ما فيش نشرب مية ما فيش يشرب اولادنا بعدين ضربوا المخابز ضربوا 30 दिन की जंग के बाद पता चला कि उत्तरी गाजा से 70% फिलिस्तीनी और हमास समर्थक मारे चुके हैं। उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा के बीच 14 किलोमीटर का फासला है। दक्षिणी गाजा में लगभग उत्तरी गाजा से 7 से 8 लाख लोग पहुंच चुके हैं, जबकि उत्तरी गाजा में फंसे 1.5 से 2 लाख लोगों को हमास के लड़ाकों ने मानव ढाल बना रखा है। हथियारों के साथ हमास के लड़ाकों की लड़ने की क्षमता साफ दिखा रही है कि जंग अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि अभी जंग में बहुत से खिलाड़ी खून की होली खेलने का प्लान बना रहे हैं। अब देखना होगा हमास और हिजबुल्ला जब दो तरफ से डबल अटैक इसराइल पर करेंगे, तब कैसे इजरायली सेना हमास और हिजबुल्ला का सामना करेगी। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं, कुछ जल्द हाजिर होंगे।